और इस वीकेंड पर जो ब्लैक फ्राइडे सेल के आंकड़े आएंगे उसका किस तरह के आंकड़े आ सकते हैं, किस तरह का असर पड़ सकता है, जरा वो समझाएं सर। देखिए अनिल जी, अक्टूबर के रिटेल सेल्स बहुत अच्छे थे, 1.3 पे आए थे, 1% की उम्मीद थी और 1.3 आए थे, तो उसके चलते मार्केट थोड़ा सा विचलित हुआ था कि भाई इकोनॉमी इतनी सुदृढ़ है, यूएस कंज्यूमर इतना अच्छा कर रहा है तो शायद फेड स्टॉप नहीं करेगा रेट हाइक्स, बट ये जो फेड मिनट्स आए हैं उससे बहुत हौसला मिला है। तो ये ब्लैक फ्राइडे सेल शुरुआत है, आगाज है क्रिसमस सीजन की। यहां से आप सोचिए कि अमेरिका में फेस्टिवल सीजन अब चालू हो गया कल से, और बहुत बड़ी सेल रहती है, और उसके बाद मंडे को भी जो बच जाता है माल उसको तो थ्रो अवे प्राइसेस पे लोग खरीद पाते हैं, तो काफी बड़ा अहम ये एक वीकेंड रहता है सेल्स के तौर पे, और इसके नंबर हमारे को मंडे शाम तक आने लग जाएंगे, तो अच्छी उम्मीद अच्छा एक एस्टिमेट हो जाएगा कि यूएस कंज्यूमर कितना स्ट्रांग है और कितनी किस तरह से खरीदारी चल रही है, तो बहुत अहम नंबर रहेंगे अनिल जी, और स्ट्रांग नंबर्स आने की पूरी उम्मीद है जो रिटेलर्स ने आगे दिया है एक्सपेक्टेशन। ज्यादातर रिटेलर्स ने यही बोला है कि फेस्टिवल सीजन में उनको अच्छी उम्मीद है, और इसका पीछे जो मूलभूत कारण है कि यूएस हाउसहोल्ड्स के पास $5 trillion की बचत पड़ी है अभी भी, जो कई क्वार्टर्स तक उनको अलाउ करेगी, तो रिकवरी जरूर के शेप है। 20% ऐसे भी लोग हैं जो बिजली का बिल नहीं पे कर पा रहे, 13% अमेरिका में आप सोचिए बिल्कुल गरीब लोग हैं, बट जो ज्यादातर लोग हैं 50-60% उनके पास एक्सेस सेविंग्स अभी भी बरकरार हैं कोविड के, और वही दुनिया को चला रहे हैं, वो यूएस कंज्यूमर का जो स्ट्रेंथ है, तो बहुत अहम ये नंबर रहेगा, और मंडे तक हमें आइडिया मिलेगा ये ब्लैक फ्राइडे किस तरह आया। उम्मीद है कि अच्छा नंबर आएगा अनिल जी।